बहू कहाँ मर गई? बहुत देर हो गई दिख नहीं रही। जरूर कहीं ना कहीं फोन पे लग रही होगी। इसे तो आज मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। देखूं क्या बात करे या। अरे यार मैं क्या बता, मेरी सास ने तो बड़ा नाक में दम कर रखा है। अच्छा नाक में दम? तेरी नाक में तो नकेले घालूंगी। पूरा दिन परेशान करके रखती है, ये कर ले वो कर ले, ऐसी सास तो किसी की भी ना हो। मेरी इतनी बुराई, इसके घात में तो भूसी भरूंगी। सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहेगी, ये काम कर दे वो काम कर दे। अरे यार तुझे क्या बता, नजरे नजरे उसकी चीलों की नजरे हैं उसकी, बस शिकार ढूंढने में लगी रहती है, कहीं से शिकार मिल जाए। चील की नजर बता रही, तेरी तो गिद्ध की नजर है, तेरे शिकार करूंगी। अरे यार तू अभी रुक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी जासूसी कर रहा है। रुक मैं तुझे अभी कॉल करती हूँ। मार दिया रे। मम्मी जी आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? तेरे भाइयों को रो रही थी। मम्मी जी पांचवी बार हो गया मैंने आपको जासूसी करते पकड़ा है, और कुछ काम नहीं है आपके पास? अरे कमर गई। हाँ तो छुप छुप के बातें मत करा कर, पता मुझे कितनी दिक्कत होती है कान लगा के सुनने में। मुझे मार दिया रे। बस बहुत हो गया, अब फैसला हो ही जाएगा, या तो आप गलत हो या मैं गलत हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं डरती तेरे फैसलों से। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जा, चल। हाँ जी बोलो, क्या बात है? क्या बोली? बुलाऊं अभी तेरे खसम को? हाँ जी, पहले हमारी मम्मी जी बोलेंगी। बोलिए मम्मी जी। ना पहले तो तू ही बोल ले, मैं भी देखूं तू भी कितना पटर पटर बोलती है। हाँ जी तो सुनिए। सुन जो भी बोलेगी ना देख के बोलिए, आगे तो ना यहीं रहना, अपना हिसाब लगा लिए तू आगे का। हाँ जी तो ठीक है ना, मैं भी जो बोलूंगी सच्ची बोलूंगी। देख बोल तो ऐसे रही जैसे कितनी बड़ी हरिश्चंद्र की औलाद हो, सच बोलेगी मेरे सामने। हाँ सबसे पहले तो उठेगी तू 10 बजे, मैं चाय की बाट देखती रहूंगी, इंतजार देखती रहूंगी कि हाय कब आएगी चाय। कभी मैं बेड पे लौटूंगी, कभी मैं सोफे पे लौटूंगी, कभी मैं फर्श पे लौटूंगी, मैं फिर बेड पे लौटूंगी, 10 चक्कर तो बाहर के लगा लूंगी, तब जाके जब मैं मरने वाली हो जाऊंगी ना तब लाएगी महारानी जी कि मम्मी जी चाय, सर पे मार दे कर मेरे चाय तू। तो मम्मी जी मैंने आपको कितनी बार बोला है, अब इतनी जल्दी मत उठा करो, 10 बजे से पहले मेरी आँख नहीं खुलती, मैं क्या करूँ? हाँ तेरी आँख तो खुलेगी 10 बजे, सारी रात मौज लेती भी रहे। एक तो इतना बड़ा फोन ले रही है अपने मुंह जितना, सारा दिन नू नू करके बकरी जैसे मुंह बनाती फिरेगी। मम्मी जी उसे पाउड बोलते हैं, पाउड ये वाला, पता है उससे कितनी अच्छी सेल्फी आती है। हाँ मैं तो नू को तेरा मुंह ऐसा ही रह जाए बिंगा, जब यूं ही रह गया ना तो वो दिन भी दूर ना, तू भी आए और मैं भी आऊं, देख लिए फिर। बात पता क्या है, आपको मिल गई मेरे जैसी शरीफ बहू, मिलती ना कोई ताड़गा जैसी तो पता चल जाती। अब सब्जी की सुन ले, सब्जी ऐसी बनाएगी रोज मना करते रहो, उसमें नमक सूरती रहेगी। तेरे खाने से अच्छा तो ना जहर भी स्वाद लगेगा, तू जहर ही ला के दे दे करना मुझे, एक ही बारी में काम चल जाएगा। मम्मी जी मैं जितना मर्जी अच्छा खाना बना लो फिर भी आपको पसंद नहीं आने वाला, चाहे मैं अपनी जान क्यों ना निकाल कर डाल दूं, अगर वही खाना आपकी बेटी बना देगी ना तो आप ऐसे खुश हो जाओगे ओ जैसे कोई अमृत मिल गया हो। हाँ बस यही तो बात है, मेरी बेटी से तो इतना जले जल जल के पूरी काली हो रखी, अगर रात में बाहर निकले ना दिखेगी भी ना इतनी काली। हाँ मैं क्यों जलूंगी आपकी फूलमती बेटी से, वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे आप जैसी खून पीने वाली सास मिली। शादी से पहले पता मैं कितनी सुंदर थी, लोग मुझे देखते रह जाते थे। हाँ बहुत सुंदर लगे तू तो, जब मैं तुझे देखने गई थी ना तो मैंने तो तुझे पसंद भी नहीं करा था, मैंने तो अपने बेटे के बाप से बोला भी था कि ये ना सुंदर लगने की, ये तो जोड़ी ऐसी लगेगी जैसे गिल्ली और डंडे की जोड़ी हो, पर मेरी सुने कौन। बस हो गई ना फिर से शुरू,
आपको तो मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा काम कर लूं। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं आपकी बहू बन कैसे गई, मेरे तो कर्म फूट गए। चलो अब होने को कौन टाल सकता है, आ गई तो बहू बन के मारे घर, जब बुरा टाइम आवे ना बता देना ता जैसे तू आ गई। हाँ सही कहा आपने, बुरा टाइम कभी भी आ सकता है किसी भी रूप में, चाहे वो आपकी सासी क्यों ना हो। क्या बोली? अरे कुछ नहीं, आप तो मेरी प्यारी सी मम्मी हो। चल अच्छा बहुत कर ली लड़ाई, थक गई अब मैं, बाकी फिर लड़ेंगे, चल चाय बना के ला। जी मम्मी जी, आज तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ चल जा। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। आ गई ना बकरी ऊंट के नीचे।